चार साल में भर्ती होकर कोई रिटायर नहीं होता, ये पूर्ण रूप से गलत पॉलिसी है। सेना प्रमुख हमारे हैं, उनको सामने नहीं आना चाहिए। बयान ये पॉलिटिकल फैसला है तो पॉलिटिकल लोग ही इस पर बयानबाजी करें, उनका सम्मान है। जो तीनों हमारे अध्यक्ष हैं सेना के, वो पॉलिटिक्स ना करें देश में। उसका हम 24 तारीख में पूरे देश में हम विरोध कर रहे हैं और बच्चे पूर्ण रूप से विरोध कर रहे हैं उसका। चार साल में भर्ती होकर कोई रिटायर नहीं होता, ये पूर्ण रूप से गलत पॉलिसी है। आने वाले टाइम पे उनका कहना ये है कि हम 25% बच्चों को फिर दोबारा मिलिट्री में लेंगे, उसमें रिश्वतखोरी बढ़ेगी, शोषण बढ़ेगा, शारीरिक शोषण भी बढ़ेगा, मानसिक तनाव भी उन पर बढ़ेगा। जो उसको झेल पाएगा वो 25% में जाएगा। वे कौन लोग होंगे जो 25% में जाएंगे, क्या पैरामीटर्स होगा उसका, ये सरकारों को स्पष्ट करना पड़ेगा पूर्ण रूप से। अभी जब आंदोलन चलता है तो एक दिन एक बात कहते हैं, अगले दिन दूसरी बात कहते हैं, फिर तीसरी बात कहते हैं। और जो सेना प्रमुख हमारे हैं, उनको सामने नहीं आना चाहिए। बयान ये पॉलिटिकल फैसला है तो पॉलिटिकल लोग ही इस पर बयानबाजी करें, उनका सम्मान है। जो तीनों हमारे अध्यक्ष हैं सेना के, वो पॉलिटिक्स ना करें देश में। और जहाँ जहाँ पे भी राजनीति की है सेना ने, वहाँ पे तख्ते पलट हुए हैं, ये गलत परंपरा ना डालने। पॉलिटिकल फैसला है तो पॉलिटिकल ही इसमें बयानबाजी हो, उनको बयान नहीं देना चाहिए। उनका सब पूरा देश उनका सम्मान करता है। भाई गुरु साहब की धरती पाए तो गुरु साहब ने भी लड़ाइयाँ लड़ी, उसी अन्याय के खिलाफ ये देश भी लड़ाई लड़ रहा, तो यहाँ पाए। क्योंकि यहाँ पे ये था कि जब वहाँ से जीत हासिल कर लेंगे और वहाँ से मोर्चा उठेगा तो दरबार साहब जाएंगे और यहाँ पे जाएंगे, तो यहाँ पे नहीं आया गया था उस टाइम पर, तो आज यहाँ पे भी आए। पूरे अब हिमाचल में और पंजाब की जो हैं इस साइड में हम निकल रहे हैं बाकी, क्योंकि हिमाचल के किसानों की भी बड़ी दिक्कत है। वे पहाड़ पर रहते हैं, अपनी बात संगठित होकर मजबूती से कह नहीं पाते, तो यहाँ 4-5 दिन हम रहेंगे और उस बेल्ट की बात सुनेंगे। खास करके पूरा देश का एक मसला है MSP गारंटी कानून, MSP में फसलें नहीं बिकती, वो चाहे मक्का हो, थोड़ा सा कनक और जीरी बिक जाती है, लेकिन दूसरी और फसलें नहीं बिकती। तो ये है कि जो 23 फसलें हैं वे भी और भी फसलें MSP पे आए, वो चाहे दूध हो या वेजिटेबल्स हो, फ्रूट्स हो, उसको भी MSP का लाभ मिले, ये एक बड़े इशू यहाँ के हैं। जमीनों के तो रेट बढ़ जाते हैं लेकिन उसमें पैदा होने वाले फसलों के दाम नहीं बढ़ते, तो लोग खुश हो जाते हैं जमींदार भी के भाई ज़मीन के ठीक रेट हैं, चलो थोड़ी सी ज़मीन बेच लो। लेकिन आने वाले टाइम पे कितने दिन तक ज़मीन हम बेच कर गुजारा करेंगे, हमें फसलों के दाम चाहिए, सरकार उसे फैसिलिटी चाहिए। अगर दाम कम है तो सरकार उसको फैसिलिटेट करे, ये हमारे बड़े सवाल अब रहेंगे। और दरबार साहब का और गुरुओं का और जो लंगर भंडारे चले वहाँ पे, हो सकता है कि 13 महीने का आंदोलन अगर गुरुद्वारे साथ ना देते, बाबाओं का आशीर्वाद ना रहता, वे लंगर भंडारे ना चलते, तो ये 13 महीने का आंदोलन चला नहीं पाए थे। तो बड़ा योगदान गुरु का रहा है, गुरु की धरती से रहा है और गुरु घर का रहा है। लंगर आंदोलन तो नहीं है कि ऐसा आंदोलन नहीं होगा, हम अपना विरोध दर्ज करवाएंगे और बच्चों से भी कह रहे हैं कि वे शांतिपूर्ण तरीके से रहें, कोई हिंसा की तरफ ना जाए, क्योंकि सरकार अपने लोग भेज के हिंसा करवाती है। वो हमने किसानी आंदोलन में देखा, उन बच्चों का कोई नेतृत्व नहीं कर रहा, तो वे जगह जगह तोड़फोड़ करवाई जा रही है, अपने लोग भेज के काम करते हैं। तो बच्चों से कहते हैं कि वे शांति रखें और हम उनकी बात रख रहे हैं। 24 तारीख के बाद में हम सरकार से कोशिश करेंगे कि सरकार से मिलें और सरकार के सामने अपना प्रदर्शन करें, अपना प्रोग्राम बताएं, उनसे बातचीत करें, क्या इसकी गाइडलाइंस है, पूर्ण रूप से क्लियर होने चाहिए। जैसे एक विशेष ये तानाशाह करते हैं, इस तरह का सरकारें तो नहीं करती, वो तानाशाह करते हैं कि तलवारों के ताकत पे राज करना इसको कहते हैं।
तो ये कोरिया का उसका पैटर्न है, उसी तरह से एक बड़ा फिर विस्फोट जरूर होगा, लोग आंदोलन पाएंगे और देश में एक बड़े आंदोलन की फिर जरूरत है। यहाँ पे देश संविधान के हिसाब से चलना चाहिए, सबको यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर का अधिकार है। पूजा पाठ करने का किसका क्या तरीका है वो कर सकता है, वो कस्टम्स में हमारे आता है, अलग अलग जगह के अलग अलग पूजा पद्धति है, लोग उस हिसाब से करें। संविधान के हिसाब से देश चले, विकास के पैटर्न पर देश चलना चाहिए। सड़कों को छोड़कर जो हाईवे बन रहे हैं वो भी प्राइवेट उस पर पीपी मॉडल पर बन रहे हैं, उसको छोड़ के दूसरा और कोई मॉडल अभी दिख नहीं रहा कि विकास का कोई दिख रहा है, उस पर भी टोल लग रहे हैं, वो प्राइवेट कंपनी बना रही है। उसको पंजाब की सरकार पर मुसीबत आएगी और भी ज़्यादा आएगी, ये खुले छोड़ देंगे। केंद्र सरकार जो दाब के बैठी हुई थी उनको खुले छोड़ देंगे कि वहाँ पे आप झगड़े करवाओ, इस तरह की पॉलिसी यहाँ पर आएगी। और जो भी एमएसपी की बात है, एमएसपी की बात भारत सरकार को करनी चाहिए, स्टेट एमएसपी पे खरीद नहीं कर सकता। जब तक भारत सरकार उसको रिलीफ नहीं देगी, उसकी मदद नहीं करेगी, कोई स्टेट एमएसपी पे खरीद नहीं कर सकता। ना कोई नहीं, एक आधा मुख्यमंत्री बनने की कोशिश कर रहा था, उनसे डिफरेंसेस हैं, और तो कोई डिफरेंसेस नहीं। ठीक है, उनने चुनाव लड़ दिया, तजर्बा होगा भाई, ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान प्राप्त तो भाई पंजाब की धरती तो ज्ञानियों की धरती है, जिस चीज़ को जब ज्ञान प्राप्त हो जाए जब भी ठीक है, उनको भी ज्ञान प्राप्त हो गया। कैसा वैसे लग, सत्ता से मसले समाधान नहीं होते, समाधान होते हैं आंदोलन से। अगर आंदोलन मजबूत होगा तो मसलों का समाधान होगा, आंदोलन कमजोर होगा तो मसलों का समाधान नहीं होगा। ये गलत फहमी ना कोई भी पाले कि हम सत्ता बनाएंगे जब हम काम करेंगे, ना, ये तो सत्ता बनी बनाई है ना, आप आंदोलन करो। दिल्ली में आंदोलन हुआ, 3 कानून वापसी हुए, तो सत्ता नहीं थी लेकिन वापसी हुए, लोग वहाँ बैठे रहे तो वापसी हुई। अभी नया इशू है कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू हो, C2+50 वाला फार्मूला हो, उस पर MSP की गारंटी दे। आंदोलन है, 13 महीने आंदोलन चला, बहुत लोग उसमें से अलग अलग जगह चले गए। MSP का एक बड़ा सवाल देश में है और एक बड़े आंदोलन की देश में फिर जरूरत है। हम पूरे देश में जा रहे हैं और एक दिन फिर वो माहौल बनेगा कि देश पे MSP के इशू पे पूरा देश किसान एकजुट होगा। हिमाचल